नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ, मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि मेष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर मेष राशि का राशि के अनुसार स्वास्थ्य 2022 की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ध्यान रहे कि यह वार्षिक राशि भविष्य 2022 है, इसमें हम वार्षिक राशिफल यानी कि ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इज 2022 गुड फॉर एरीज हेल्थ और इज 2022 गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर एरीज हेल्थ। और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता ना होने पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि लग्न का पता लगाया जाए। इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जो आपके लग्न को बता देते हैं, इसलिए लग्न की जानकारी प्राप्त करें। लेकिन यदि लग्न की जानकारी पता ना हो पाए तब आप राशि के अनुसार या फिर नाम राशि के अनुसार अपने भविष्य की टोह ले सकते हैं। मेष राशि 2022 हेल्थ होरोस्कोप या मेष राशि हेल्थ 2022 होरोस्कोप को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मेष राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष यानी कि साल 2022 में ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही मेष राशि 2022 स्वास्थ्य यानी कि आपके स्वास्थ्य संबंधी परिणाम का भविष्यफल या भविष्य कथन किया जाएगा। इस वर्ष में शनि आपके दशम और एकादश भाव में रहेंगे। ज़्यादातर समय दशम भाव में ही शनिदेव रहेंगे, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच लाभ भाव में रहेंगे और लग्न भाव को देखेंगे। फलस्वरूप शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी सी कमी दे सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति ग्रह लाभ भाव में आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अच्छे संकेत हैं। इसके बाद बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जहां से गुरु मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। राहु केतु के गोचर की बात की जाए तो 12 अप्रैल 2022 के पहले या दूसरे भाव में रहेंगे, इसके बाद आपके पहले भाव में आ जाएंगे यानी कि लग्न पर आ जाएंगे और आपके स्वास्थ्य में बीच बीच में कुछ कमियां दे सकते हैं। हालांकि इन सब का मिला जुला क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, आइए हम विस्तार से जानते हैं। मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसके पहले यह बता दें कि मंगल की राशि होने के कारण मेष राशि स्वास्थ्य के मामले में जागरूक राशि मानी गई है, अतः मेष राशि का स्वास्थ्य ज्यादातर मामलों में ठीक देखा गया है। साल 2022 में मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो 2022 मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। अगर बात करें मेष राशि वालों के राशि स्वामी मंगल की या उसके द्वारा मिलने वाले स्वास्थ्य संबंधी फलों की, तो शुरुआत में ही यानी कि साल की शुरुआत में ही मंगल 16 फरवरी तक मेष राशि वाले लोगों के आठवें भाव में गोचर करेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में चोट लगने का या बहुत गहरे चिंतन मंथन या यूं कहें कि चिंता में डूबने का योग है। ऐसे में आपको किसी भी बात को लेकर बहुत अधिक टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बहुत अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। साथ ही मंगल का दूसरे भाव में प्रभाव रहने से आपको बहुत अधिक तला भुना या तीखा चरपरा नहीं खाना चाहिए, आपका मन ऐसा कर सकता है और तीखा खाना आपके लिए बिल्कुल नुकसान देने वाला रह सकता है। इस समय जननेन्द्रियों से संबंधित तकलीफें होने का डर रहेगा यदि आप तला भुना या तीखा खाएंगे। यानी कम से कम 16 जनवरी 2022 तक आप वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं, तला भुना ना खाएं, किसी भी मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, चिंता में ना डूबें। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो सामान्य तौर पर इस अवधि में आपको अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। बाकी आगे के दिनों में स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या के योग नहीं है, बशर्ते आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं। इस वर्ष राहु केतु के गोचर के चलते भी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंतन मंथन करने की जरूरत रहेगी। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक राहु केतु का प्रभाव आपके दूसरे भाव में रहेगा, अतः इसका कोई सीधा डायरेक्ट नकारात्मक प्रभाव आपकी सेहत पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अवधि में आपको अपने खान पान पर संयम रखना होगा, क्योंकि अगर आपने इस अवधि में भी अपनी प्रकृति के विरुद्ध जो आपकी
आयुर्वेदिक वाली प्रकृति है, उसके विरुद्ध वाला खान पान किया तो आने वाले समय में जब राहु केतु का प्रभाव लग्न यानी प्रथम भाव पर होगा तब इस समय की अनियमितता का असर उस समय देखने को मिल सकता है। अभी का संयम आने वाले समय में संतुलन बनाने के काम आएगा। 12 अप्रैल 2022 से राहु आपके लग्न यानी कि प्रथम भाव, जिसे आप राशि भी कह सकते हैं, जो लोग राशि के अनुसार देख रहे हैं, उस पर गोचर करने लगेंगे। इससे और तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको बहुत बड़ी लगने लग सकती हैं। यानी ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हैं। वास्तव में कोई भी छोटी समस्या होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी बीमारी तो आपको नहीं हो गई है। कई बार ऐसा लगेगा कि तबीयत खराब है, लेकिन जांच करवाने पर सब कुछ नॉर्मल निकल सकता है। अब क्योंकि यह गोचर आप अगले 18 महीनों तक रहने वाले, ऐसे में आपको इसके प्रति सहनशील होना पड़ेगा। यानी कि स्वास्थ्य की समस्याएं हैं तो दवा के साथ साथ प्रार्थना या दुआ का सहारा भी आपको लेना चाहिए, और इस समस्या को इतना बड़ा करके ना देखें जितना बड़ा आपको महसूस हो रही है। मतलब यह कि जब ऐसा लगे कि आप अस्वस्थ हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं और प्रॉपर तरीके से जांच करवाएं। किसी पवित्र स्थान की विभूति या फिर जल, जैसे गंगा जल इत्यादि, या कहीं मंदिर की विभूति आप माथे पर लगाएं। इस अवधि में नज़र लगने का भी भय रहेगा, ऐसे में अगर आपको उचित लगे तो नज़र के लिए झाड़ा लगवा सकते हैं या फिर आप धार्मिक अनुष्ठान आदि का सहारा ले सकते हैं। इन सबसे भी आपको काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यानी इस गोचर के कारण कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं होंगी तथा दवा और दुआ दोनों के सहयोग से आपको काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। ध्यान रहे कि यहाँ हम किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको राहत दिलाना है, चाहे वह दवा से मिले या फिर दुआ से मिले, प्रार्थना से मिले। इसके बाद 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच जब शनि देव आपके लाभ भाव में रहेंगे, उस अवधि में वह आपकी लग्न यानी कि राशि को भी देखेंगे और मेष राशि के साथ शनि देव के रिश्ते अच्छे नहीं कहे गए हैं। इसलिए 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच भी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। ध्यान रहे कि हमने उन टाइम ड्यूरेशंस का जिक्र किया है जिनमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अधिक जरूरत है, बाकी का टाइम आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। यानी कि कुछ समय एवरेज है तो वहीं कुछ समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2022 मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमजोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि साल 2022 में मेष राशि वाले लोगों को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो कौन से उपाय करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे। पहले उपाय के रूप में यदि आप मांस, मदिरा या अंडे का सेवन करते हैं तो आपको इन सबसे परहेज करना चाहिए। साथ ही आपको अपशब्दों का प्रयोग भी करना छोड़ देना चाहिए, बशर्ते आप करते रहे हो तो। गले में चांदी की चेन पहने और प्रत्येक महीने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाते रहे। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता है तो बहुत संभव है कि आपकी दशाएं प्रतिकूल हो सकती हैं, और अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके, अपनी दशाओं व अंतरदशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता जान करके, आप उनका उपाय करके या करवा करके आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाइए। यदि आपकी इच्छा मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाने की है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फोन करिए, फोन करके वहां अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और आप हमसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन यहां यह बाध्यता नहीं है और जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही सलाह लें, कहीं से भी सलाह आप ले सकते हैं। आप सुखी रहें, आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। सलाह कहीं से हो, आपके जीवन में आनंद आना चाहिए। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख पाएंगे। भगवान भोलेनाथ आपको निरोगी बनाए रखें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए
बेल के आइकन पर क्लिक करें।